हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में काफी ज्यादा मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि YouTube जो भी यूज करते हैं लोग, वो ज्यादातर अक्सर यहाँ पे उनकी जो चिंता रहती है वो ये रहती है कि यार व्यूज नहीं आ रहे, कि क्या प्रॉब्लम है। तो आपको आज मैं बताना चाहता हूँ। उससे पहले दोस्तों, आप क्या करेंगे कि सबसे पहले जो नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब वाला, उसको दबा दीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि आपके जो चैनल पे व्यूज या फिर आपकी जो वीडियोज हैं वो ट्रेंडिंग में क्यों नहीं जा रही हैं, उसका मेन रीजन है कि आप लोग यूट्यूब पे प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि YouTube सजेशन लिस्ट में आपकी जो वीडियोस हैं उनको नहीं देता है। और सबसे ज़्यादा जो मेन कारण है YouTube पे वीडियोस ना आने का, वो ये है कि आप लोग जो सोशल मीडिया प्लेटफार्म होते हैं उन पे भी अपना जो शेयर है उसको नहीं करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जो भी छोटे यूट्यूबर हैं उनको करना क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप लोगों को जो यूट्यूब की वीडियो हैं उनको आप सबसे पहले उनका लिंक निकालिए। लिंक निकाल के जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, उनको सबको शेयर करिए। उससे क्या होगा कि जो भी एक दो करके वीडियोस देखेंगे यहाँ पे, वो आपका जो व्यूज़ है वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपकी जो वीडियो है धीरे धीरे उन पे व्यूज़ आने लगेंगे। और सबसे मैंने टाइटल का जो मेन थिंग जो टाइटल है उसको सही से उसको पुट करिए, जिसकी वजह से जो टाइटल में जो भी कोई आपकी कीवर्ड को सर्च करेगा तो आपकी वीडियो सबसे पहले टॉप पे निकल के आए। और सबसे ज़्यादा जो बड़ा मेन रीज़न है यूट्यूब पे जो व्यूज़ वगैरह नहीं आते हैं, तो वो है आपका कंटिन्यूटी। दोस्तों, यूट्यूब ये कहता है कि आपको यहाँ पे कंटिन्यूटी बरकरार रखनी चाहिए और आपको डेली रेगुलर वीडियोस यहाँ पे अपलोड करती रहने चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आपने दो दिन तीन दिन का भी गैप दिया तो वहाँ पे व्यूज वगैरह नहीं आते हैं। हाँ, जिसके कंटेंट अच्छे, जिसकी मिलियंस वगैरह में वीडियोज जाती हैं, उनको तो थोड़ा टाइम लग जाता है यूट्यूब वगैरह पे वीडियो अपलोड करने का, तो उनका तो चल जाता है। लेकिन जो छोटे यूट्यूबर हैं उनको डेली टू डेली यहाँ पे एक दिन में कम से कम दो दो वीडियोस, यानी एक दिन में अगर एक वीडियो भी अगर आप डालते हैं तो नॉर्मली व्यूज़ वगैरह सब आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा मेन रीज़न है कि यूट्यूब पे कंटिन्यूटी आप बरकरार करके रखें और डेली टू डेली कोई कंटेंट कुछ भी हो, मतलब आप अपने यूट्यूब पे अपलोड करते रहें। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेन चीज़ यहाँ पे ये रहती है कि आपको यहाँ पे यूट्यूब पे अगर रहना है तो आपको कंटिन्यूटी बरकरार रखनी पड़ेगी। और साथ ही साथ दोस्तों, बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब को इतना वैसा नहीं है कि आपकी वीडियोस को ट्रेंडिंग में या फिर आपकी वीडियोस को सजेशन लिस्ट में वगैरह नहीं लाए। तो ये सब चीज़ें यूट्यूब करता रहता है, ऑटोमेटिक ये चीज़ें होती हैं। तो आप लोग इस पर टेंशन ना लें और अपना जो काम है, जो कंटेंट है, उनको बना के और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सब चीज़ें जो आपकी वीडियो से रिलेटेड है वही चीज़ नीचे डालें, कुछ टैग लगाएं। ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो YouTube पे व्यूज़ वगैरह है वो सब आने लगेंगे। तो ये कुछ मेन बातें थी YouTube के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिए, साथ में एक लाइक दे दीजिए इस वीडियो को, जिससे कि मैं ऐसी आपके लिए वीडियोस वगैरह बनाता रहूं। काफ़ी ज़्यादा मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि भाई YouTube पे व्यूज़ नहीं आ रहे तो कुछ एक वीडियोस बनाओ, तो मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बना दिया। कैसी लगी दोस्तों वीडियो, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना है। मैं मिलता हूं दोस्तों आपको एक और अगली नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो जल्दी आएगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। नमस्कार, जय हिंद।